की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, आप जो चाहें खाएं, लेकिन एक इंसान होने के नाते सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप होशपूर्वक खाएं। आप जो कुछ भी करते हैं वो होशपूर्वक होना चाहिए। आपका भोजन चुनना और भोजन खाना सचेत रूप से होना चाहिए। आप जो खाते हैं उतना ही महत्वपूर्ण ये है कि आप कैसे खाते हैं। जब मैं कहता हूं कि आप इसे कैसे खाते हैं, तो ये सभी जीवित पदार्थ हैं। उनमें से हर एक का अपना एक जीवन था, चाहे वो एक पौधा हो, पशु हो, सब्जी हो, उनमें से हर एक का अपना जीवन था। अगर आप खाने के प्रति आभार और श्रद्धा की भावना के साथ भोजन से संपर्क करें, जब मैं श्रद्धा कहता हूं तो ये आपके लिए शायद बहुत अधिक महसूस हो, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर हम आपको एक कमरे में रखें और वहां 5 दिनों तक खाने के लिए कुछ ना हो, अगर ईश्वर आपके सामने प्रकट हो जाए तो आप क्या मांगेंगे? खाना। तो ये इतना महत्वपूर्ण है। आपको समझना चाहिए कि आपकी थाली में भोजन सिर्फ एक पदार्थ नहीं है, ये एक सामग्री नहीं है, ये एक वस्तु नहीं है, इट इज लाइफ, ये जीवन है, ये आपके लिए जीवन बनाने वाली सामग्री है। तो आपको इसे ऐसा ही सम्मान देना चाहिए। फिलहाल जब ये प्लेट पर है, जब ये बाहर है, तो इसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन जिस क्षण आप इसे खाते हैं और ये आपका मांस और रक्त बन जाता है, तब अचानक इसका अपार मूल्य हो जाता है। हम ऐसे क्यों जीते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब ये आपकी प्लेट पर आता है, तभी आपको इसे खुद का एक हिस्सा मानना होगा। आपको भोजन बहुत श्रद्धा के साथ करना चाहिए। अगर आप बस भोजन करने का तरीका बदल दें, तो भोजन आपके भीतर बहुत अलग तरह से व्यवहार करेगा।